अशोक के तो हम दे देंगे ना जगह, खाली आप लोगों को हटाइए ना। अशोक आपका तो 12 बजे से, आपका 11 नहीं 11 बजे, 11 बजे क्या कर रहे हो? पीछे घूम जाएगा करने वाला कुर्ता। चार चार दिन विधायक लोग अनशन पे। कार्य संचालन नियमावली से चलता है ना, तो कार्य संचालन नियमावली पड़े हैं, उसका अवलोकन कर ले विपक्ष, उसके बाद मुद्दों को उठाए। और बिहार जैसे राज्य में जो हमने सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव कायम किया है, तो इस पर उंगली उठाने के लिए आपको बाहर से कहीं आउटसोर्सिंग नहीं करने की जरूरत है। क्या लेकिन हम तो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठक में भी आप नहीं गए थे? उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में है और उनके साथ एनडीए में हम भी है और आगे भी रहेंगे। पार्टी की बैठक में भी नहीं गए थे? लेकिन आप आज की तारीख में मीडिया के सामने कह रहे हैं कि आप आरएलएसपी में रहेंगे, एनडीए के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। कल क्या होगा, अभी हमारे नेता भी एनडीए में है, कल वो क्या निर्णय लेंगे उसके बाद। महागठबंधन में क्या आप सोचते हैं, महागठबंधन को लेकर के क्या विचार है आपके? महागठबंधन के लेकर हमारा अभी कोई विचार नहीं है, हम अभी एनडीए में है, एनडीए के नेता है और उनके साथ बने। एनडीए में जेडीयू भी है सुना से? हाँ, तो जेडीयू भी है, आरएलएसपी भी है और हम भी है। आप ये श्योर करते हैं कि आगे आगे भी एनडीए में आप रहेंगे? एकदम श्योर करते हैं कि आगे भी हम एनडीए में रहेंगे। लेकिन एनडीए में आरएलएसपी की बैठक हुई थी, एनडीए में रहेंगे। सुधांशु जी आप बैठक में नहीं गए थे? संपर्क में है, जदयू के संपर्क में हम, मतलब मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए तो हम गए थे, लेकिन अब नहीं, उसके पहले प्रसाद किशोर जी से लंबी मुलाकात हुई आपकी, बात कर रहे हैं तो। सुधांशु जी जिस तरीके से आप मिलने गए थे, निकले बड़ा गुपचुप तरीके से थे, प्रसाद किशोर जी से मुलाकात किए थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी थे, अब दोनों आदमी एक ही जगह मिल जाएंगे तो इसमें क्या कहा। जनता को कोई चिंता नहीं है, किसान मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं और उनका हक मारी हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इस मुद्दे को बिहार में क्राइम बढ़ गया है और हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रोज सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऑल इज वेल, तो ये बिहार की जनता इनके कारनामे से भुगत रही है, उसकी आवाज को आज हम लोग लालू जी, कोई एजेंडा नहीं है लालू जी? एकदम एजेंडा है। सीबीआई जी ने लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम किया, देश और दुनिया के लोग जान गए कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर लालू जी को जेल में डलवाए हुए हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं एजेंडा नहीं है। अरे सुशील मोदी कोई नेता है क्या? नेता है कोई वो? वोट से चुनाव जीत कराए तब न पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है। यहाँ कपड़ा व्यापारी करने आए थे, व्यापार करने आए थे राजस्थान से, और यहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को लूट कर अरबपति बने हुए हैं।